एक बार फिर से देश दुनिया में खलबली है। पूरी दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। एक बार फिर से जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। कोरोना का सबसे नया वेरिएंट, जो कि सबसे खतरनाक बताया जा रहा है, उसने दस्तक दे दी है। नतीजा, दुनिया में नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। तो क्या कोरोना का तीसरा झोंका आ गया है? क्या वर्ल्ड इमरजेंसी लग चुकी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वर्ल्ड इमरजेंसी बताया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और एक बार फिर से वही सवाल हम सबके सामने है, हम कितने तैयार हैं? दुनिया कितनी तैयार है? अगर ओमिक्रॉन ने दुनिया में दस्तक दे दी है, तो भारत में इसे लेकर क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, या फिर क्या सतर्कता बरती जानी चाहिए? क्योंकि आपको बता दें, चुनावी मौसम है, धुआंधार प्रचार हो रहा है, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, सब ताक पर रखा जा चुका है। शादियों का सीजन है, बाजार भरे पड़े हैं, और वहां भी अमूमन हालात ऐसे ही हैं। बाजार जाइए, मॉल घूमिए, कहीं भी किसी के अंदर कोरोना का खौफ नहीं रहा। और हम सब इसमें शामिल हैं, आप किसी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि खौफ आपको सतर्क करता है। खौफ के कारण आप मास्क लगाते हैं, मगर ये सब भूल जाएंगे तो क्या होगा? ये हम दूसरी लहर में देख चुके हैं। अब सवाल सीधा, तो फिर भारत में नए वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी है?